तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब गाइड यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे जनरल नर्सिंग एंड मीड डे फेयर यानी कि जी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म फ़िलअप के बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा तो जो दोस्त अभी जो कैंडिडेट अभी थर्ड ईयर में है जनरल नर्सिंग एंड मीड डे फिर यानी कि जी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए अपडेट है एग्जामिनेशन जो कि मार्च अप्रैल एग्जाम होता है आपका जो कि सेमिस्टर पाँच बार सेमिस्टर होगा उसके बाद लास्ट में आपका अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में लास्ट एग्जाम होगा तो आपका जो है थर्ड ईयर इस साल कंप्लीट हो जाएगा तो अभी जो पाँच बार सेमिस्टर के लिए आपका जो एग्ज़ाम का लिए फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन में तो इसके बारे में पूरा गाइड आपको देंगे तो ये ऑफिशियल पी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा जो कि टिब्ल डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू बी एन सी डॉट इन आगे चल के वीडियो में आपको दिखा दूंगा कहाँ पर आपको पी डी मिलेगा तो इसको लिए आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है तो है एग्ज़ाम के लिए पाँच बार फिफ्थ सेमिस्टर के लिए जो कि थर्ड ईयर में अभी जे एन एम नर्सिंग कर रहे हैं ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में तो उसके लिए आपको ऑनलाइन में आपको एग्ज़ाम के लिए आपको जो है फी पेमेंट करना होता है एग्जाम का लिए तो जिसका डेट स्टार्टिंग होगा अट्ठाईस मार्च दो हज़ार बाईस से लेकर इकतीस मार्च दो हज़ार बाईस मिड नाइट तक आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिसके लिए आपको जो है एग्जाम फी देना है आपको फाइव हंड्रेड एंड थर्थी रुपीज़ पाँच सौ तीस रुपया इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग चार्ज मिला के आपका पाँच सौ तीस रुपये आपको पेमेंट कर लेना है जो कि अट्ठाईस मार्च दो हज़ार बाईस से लेकर इकतीस मार्च दो हज़ार बाईस रात तक आप लोग जो है ऑनलाइन में एग्जाम फी पेमेंट कर सकते हैं और एग्जाम फी आप थ्रू किसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं इस बार आप कलेक्ट ऑफलाइन कैश डिपोजिट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं जो कि आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है आपका एस बी कलेक्ट के माध्यम से आपका पेमेंट होगा यहाँ पे आपका कोई भी एस बी डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश के माध्यम से आपका पेमेंट नहीं एक्सेप्ट होगा तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं जो कि है ऑनलाइन में और साथ ही साथ जो हाँ प्रिंटेबल जो कॉपी है और सिग्नेचर नर्सिंग स्कूल से आपका ऑथोराइज जो एस बी चालान है एग्जाम फी का उसका जो डेट है वो है फर्स्ट अप्रैल से लेकर छः अप्रैल दो तक आपका उसका डेट है तो आप लोगों को जो स्टूडेंट के लिए है वो है ये डेट 28 मार्च 2022 से लेकर इक्कीस मार्च और जो आपका नर्सिंग स्कूल है इंस्टीट्यूट जो भी है उसका जो आप लोगों का जो फी पेमेंट करेंगे आपका जो रिसिप्ट कॉपी है वो लोग जो है नर्सिंग काउंसिलिंग का जो ऑनलाइन का जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर वो लोग सबमिट करेंगे एक फर्स्ट अप्रैल दो बाईस से लेकर छः अप्रैल 2022 के बीच में सबमिट करना है और भी बहुत सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ है तो आप लोगों को देख लेना है पीडीएफ डाउनलोड करके और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सबमिट होगा वो साढ़े तीन बजे तक होगा यहाँ पे दोपहर के लास्ट जो डेट है यहाँ पे देख सकते हैं इस बार कलेक्ट जो कर सकते हैं उसका वेबसाइट में और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शन भी है कैसे आपको जो एग्ज़ाम फी जो पेमेंट कर लेना है पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है पे इसको कॉपी करके डायरेक्ट जा सकते हैं फिर जब आप लिंक अवेलेबल होंगे अट्ठाईस मार्च आ जाएगा तब भी मैं इसको आपको गाइड कर दूंगा वीडियो के दौरान वीडियो के माध्यम से और फिर यूज़र आइडिया लॉगिन पासवर्ड देकर आपको लॉग इन हो जाना है उसके बाद स्टूडेंट एग्जामिनेशन में जाना है फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है फिर कोर्स अकेडमी गया एग्जामिनेशन नेम आपको दे देना है वेरीफाई केयरफुली कैंडिडेट जो कि आपका लास्ट में सब्जेक्ट वाइज कर लेना है देन आपको जो है सेव करने के बाद पेमेंट कर लेना है और लास्ट में जब लॉग आउट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका सारा कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे कुछ दिख जाएगा इस तरह आपका सबमिशन डेट स्टूडेंट नेम सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर सब्जेक्ट रिपेयरिंग आप कितने ये आपका सिग्नेचर सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो ऐसा करके जो है आप लोग आसानी से जो है आपका एग्ज़ाम फी है फिफ्थ सेमिस्टर थर्ड ईयर का तो मार्च अप्रैल जो एग्जाम का जो टाइम है उसके लिए आपको जो जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो एक अपडेट था आगे के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे और अगर कोई भी इंक्वायरी कुछ भी पूछना चाहते तो दोस्त कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप लोग कोई कैंडिडेट ऐसे हैं कि इस साल आई टी आई या फिर पॉलीटेक्निक में एडमिशन होना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो दोनों का ही जो फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है आप लोग उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं पूरा जानकारी ले सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल यूटी गाइड ज्वाइन दोस्तों।